नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की बजाज आपका अपने YouTube चैनल बजाज डेयरी फार्म में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके एक सेकंड टाइमर जोटी, परसों की ब्याई हुई है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो वीडियो में आप सब भाइयों को पता लग जाएगा और बजट भी भाई वीडियो में ज़रूर बताएंगे और मिल्किंग की वीडियो साथ में ज़रूर देखें क्योंकि गुण अवगुण पता भाई चुवाई के बाद ही लगता है। जो कोई भाई खरीदना चाहता है संपर्क कर सकता है। एड्रेस बता दूं, राजस्थान में भाई एक ज़िला पड़ता है श्री गंगानगर, उससे 75 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है रायसिंह नगर, वहाँ अपना डेयरी फार्म है। गूगल मैप पे अगर बजाज डेयरी फार्म सर्च करते हो तो डेयरी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप सब भाइयों को मिल जाएगी। ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो सेकेंड टाइम में छोटी, दूसरी बार भाई बच्चे को जन्म दिया है, परसों शाम को ब्याई है। तो आज लगभग इसे 48 घंटे हो चुके हैं, परसों शाम को ब्याई है। पीछे इसके भाई मेल काफ यानी कि कटड़ा, पीछे इसके मेल काफ यानी कि कटड़ा है। कटड़े का रंग भाई भूरा काला सा पड़ता है, लोहा रंगा बोल दो, कच्चा सूंड जो कि आप साफ साफ देख पा रहे हो। परसों शाम को भाई इसने एक मेल का कटड़े को जन्म दिया है। पाउसने से पहले थनों का साइज देखिए, क्योंकि खीस से लगभग खाली कर दी थी भाई सुबह ये, और थोड़ा बहुत दूध जो है थनों में ज़रूर छोड़ा गया है। काफ़ी अच्छा भाई मुट्ठी के साइज का थन है, छोटे गोल खुर रहे हैं। बात सींगों की करें तो वो भी काफ़ी अच्छे भाई, फेस के ऊपर जस्ता हुआ सींग, लगभग जेड ब्लैक है, थोड़ी बहुत पूँछ वाइट है जो कि वीडियो में आप सब भाइयों को साफ साफ दिखा दी गई। थनों का साइज काफ़ी बेहतरीन है। एड्रेस बता दूं एक बार फिर, क्योंकि बहुत से भाइयों की जो फ़ोन कॉल्स वगैरह एड्रेस आते हैं, तो राजस्थान में भाई है उससे 75 किलोमीटर है रायसिंह नगर, वहाँ अपना डेयरी फार्म है। गूगल मैप पे अगर बजाज डेयरी फार्म से हो तो डेयरी की से पहले थनों का साइज देखा काफी बंद। मिल्किंग की वीडियो साथ में ऐड कर दी गई है। मिल्किंग भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चौआई की जोटी है, दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया है और मन खुश हो जाता है, यानी कि कभी किसी ने दूध नहीं भी निकाला ना तो वो भी भाई दूध निकाल लेगा। परसों की ब्याई के खीस भी बहुत ही अच्छा है, पूरा मुट्ठी के साइज का थन। और कीमत सबसे मेन चीज़ तो कीमत पे आती है, कीमत बहुत वाजिब है, कीमत बहुत वाजिब है। जो कोई बाइक खरीदे 85,000 रुपये, ओ सॉरी 95,000 रुपये में तो 800 किलोमीटर तक के दायरे में घर पहुंच, गाड़ी खुद की लेके आओगे 90,000। कीमत एक बार फिर सुन ले, 95,000 विद लोडिंग चार्ज और 90,000 विदाउट लोडिंग चार्ज। साफ सुथरी है, दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया है और घनी बड़ी अचवाई की है, यानी कि जिस भाई ने घर दूध पीने के लिए लेनी है मेरे हिसाब से उसके लिए बेहतरीन रहने वाली है। बजट भी इसका जायज़ है और दूध भी उम्मीद है कि घना बढ़िया दे देगी। परसों की ब्याई है, हाल फिलहाल भी मेरे ख्याल में लगभग 10 लीटर खीस जो है इसका तैयार होगा। और पहले बयान में किसान ने बताया कि 13 किलो दूध इसने पूरे दिन का निकाला हुआ है। 6.5 लीटर एक टाइम का दूध फर्स्ट टाइमर ने दिया हुआ है, अभी दूसरी बार है, बिल्कुल सॉफ्ट मिल्किंग की है। और कीमत इसकी 95,000 रुपये में 800 किलोमीटर तक के दायरे में घर पहुंच, गाड़ी खुद की लेके आओगे तो 90,000 रुपये। तो जो कोई भाई ख़रीदना चाहता है संपर्क कर सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी संख्या में अपने पास भाई भैंसे बिक्री के लिए उपलब्ध रहती हैं। जो कोई भाई जिस तरह का पशुधन खरीदना चाहता है मिल जाएगा, लो बजट में खरीदना चाहता है तो मिलेंगी, अगर कोई भाई टॉप क्लास जोटी खरीदना चाहता है तो भी मिलेंगी। तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आएं, आके देखें, ऑनलाइन के बजाय आके देख के तसल्ली करके लेके जाएं, उस जैसा बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर भी भाई कोई ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है तो देखो उसकी पेमेंट पूरी आने के बाद ही लोड होगी, किसी का मन पूरा संतुष्ट है तो वो खाते में पैसे डालेगा तो भैंस चढ़ा के भेजेंगे।
और अगर कहीं ना कहीं 1% भी मन में शंका है तो ऑनलाइन नहीं खरीदें, आके अपनी तसल्ली करके फिर खरीद के लेके जाएं। तो सभी भाइयों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक।